नमस्कार, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने ऑनलाइन इंस्टीट्यूट टारगेट बितालोक में। मैं रवि तिवारी करंट अफेयर्स की रटलो की अगली श्रृंखला के साथ आपके समक्ष उपस्थित हूं। रटलो श्रृंखला करंट अफेयर्स को लिए हुए एक महत्वपूर्ण श्रृंखला है, जिसमें व्याख्यात्मक हल में आपको कराता हूं करंट अफेयर्स का। संख्यात्मक मान में प्रश्न 30, 40, 50 होते हैं, लेकिन अगर हम पूरा व्याख्यात्मक हल सुनते हैं तो लगभग लगभग 100 प्रश्न हम लोग एक लेक्चर से हल करते हैं। आगामी समय में प्रदेश में बहुत सारी बड़ी परीक्षाएं आयोजित होनी है, जैसे यूपीपीसीएस 2020 हो गया, खंड शिक्षा अधिकारी हो गया, सुपरटेट हो गया, यूपीएसआई हो गया, एनटीपीसी हो गया। इन सभी परीक्षाओं के लिए यह श्रृंखला समान रूप से उपयोगी है। आप अभी से प्रश्नों का कलेक्शन करें, आंकड़ों का कलेक्शन करें, डाटा का कलेक्शन करें और ये निश्चित रूप से आपके लिए उपयोगी होगी। पिछले समय में आपने देखा है कि रटलो श्रृंखला से लगातार प्रश्न आपके जो है किसी भी एग्जाम में आते रहे हैं। न केवल आते रहे हैं बल्कि बहुत सारे एग्जाम्स में तो ऐसा ही हुआ कि पूरा पूरा करंट अफेयर्स ही आपका रटलो से आया। तो प्रश्नों को बहुत देख के, बहुत रिसर्च के बाद तय किया जाता है, उसके बाद बनाया जाता है जो आपके लिए अत्यंत उपयोगी हो। तो आज इसी प्रकार के बेहतरीन प्रश्नों की श्रृंखला के साथ मैं आपके समक्ष उपस्थित हूं। प्रारंभ करने से पहले संस्थान की तरफ से कुछ बैचेज की जानकारी मैं एक मिनट में आपको देना चाहूंगा और उसके बाद हम लोग तुरंत पहले प्रश्न से इसकी शुरुआत करेंगे। संस्थान में अगर हम लोग वर्तमान समय में देखें तो यहां पर 3 बैच हमारे यहां संचालित लगातार हो रहे हैं। खंड शिक्षा अधिकारी का बैच, आप में से बहुत सारे लोग देख भी रहे हैं और जुड़े भी हुए हैं। पीसीएस का बैच और सुपरटेट का बैच, ये तीनों ही बैच के व्हाट्सएप नंबर है अलग अलग जो उसके सामने लिखे हुए हैं। आपको जिस बैच में प्रवेश चाहिए आप उसी के सामने एंट्री लिखकर भेज दीजिए। इस व्हाट्सएप नंबर पर आप एंट्री बीईओ लिखकर भेजेंगे तो आप खंड शिक्षा अधिकारी का जो बैच चल रहा है उसमें प्रवेश पा सकते हैं। पीसीएस में अगर आपको प्रवेश पाना है प्री कम मेंस में, दोनों ही तरह के बैच में, तो आप इस नंबर पर एंट्री पीसीएस लिखकर भेज दीजिए, आप प्रवेश ले सकते हैं। और सुपर टेट जो कि बैच फरवरी के पहले सप्ताह में प्रारंभ होना है, जिसके लिए लगातार हम प्रमोशन क्लासेस जा रही हैं, उसमें अगर आपको एडमिशन लेना है तो आप इस नंबर पर एंट्री सुपर टेट लिखकर भेज दीजिए, हमारी टीम आपसे संपर्क करेगी। किसी भी जानकारी के लिए या किसी भी सहायता के लिए नीचे स्क्रॉलिंग पर नंबर भी चल रहे हैं, आप उन नंबरों पर भी फोन करके अपने प्रवेश को सुनिश्चित करा सकते हैं या किसी भी तरह की जानकारी ले सकते हैं। मैं हट जाता हूं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें ताकि भविष्य के लिए आपके लिए ये काम आए। आइए अब हम लोग शुरुआत करते हैं यहां से श्रृंखला की अपनी रटलो करंट अफेयर्स की श्रृंखला की रटलो 3। श्रृंखला हल करवाने का क्रम ऐसा रहेगा कि मैं प्रश्न पढ़ने के बाद थोड़ा सा हट जाऊंगा ताकि आप प्रश्न को अच्छे से पढ़ सकें और उसका उत्तर दे सकें। आप उत्तर जरूर करें, उत्तर जरूर लिखें और इसी क्रम में आप लोग आगे बढ़ें, क्योंकि एक बार अगर आप किसी चीज को लिख देते हैं तो वो कभी भी आपकी गलत नहीं होती है ना। रीडिंग मेक्स अ मैन परफेक्ट, राइटिंग मेक्स अ मैन एग्जैक्ट। आइए प्रारंभ करते हैं। पहला प्रश्न आज का ये है, 16वीं वन रिपोर्ट 2019 के अनुसार देश में वनावरण और वृक्षावरण में सर्वाधिक वृद्धि। पहला प्रश्न है, 16वीं वन रिपोर्ट 2019 के अनुसार देश में वनावरण और वृक्षावरण कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितने प्रतिशत है। देखिए, पहले तो कंफ्यूज नहीं होना है, आप जानते हैं कि वन रिपोर्ट प्रत्येक 2 वर्ष बाद आती है और इस बार नई वन रिपोर्ट दिसंबर 2019 में आ चुकी है ना। 16वीं वन रिपोर्ट है ये, क्रम के हिसाब से देखें तो कौन सी वन रिपोर्ट है, तो आप कहेंगे सर ये 16वीं वन रिपोर्ट है। क्रम के हिसाब से 16वीं वन रिपोर्ट के आंकड़ों के अनुसार आपसे पूछा गया है कि कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितने प्रतिशत है वनावरण और वृक्षावरण। आपसे अलग अलग भी पूछा जाता है, आपसे यह भी पूछा जाता है कि केवल वनावरण कितना है, आप कंफ्यूज नहीं होंगे, और यह भी पूछा जाता है केवल वृक्षावरण कितना है ना, केवल बराबर कितना है, केवल वृक्षावरण कितना है, और दोनों को जोड़ के भी पूछा जाता है कि कुल वनावरण और वृक्षावरण कितना है। तो आपको जब भी प्रश्न पढ़ना है तो आपको इन टर्मिनोलॉजीज को ध्यान रखना है कि बेसिकली आपसे पूछा क्या गया है। मैं सारे ही आंकड़े आपको यहां पे क्लियर कर देता हूं। इसका सही उत्तर होगा 24.56%। 16वीं वन रिपोर्ट के अनुसार जो है हमारा, जो 16वीं वन रिपोर्ट के अनुसार 24.56% जो है कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का है जो कुल वनावरण है और वृक्षावरण है। अगर आपसे पूछा जाए कि कुल वनावरण कितना है तो ये 21.67% है। वनावरण कितना है तो आप कहेंगे 21.67% है, ये वनावरण है, और ये क्या है, कुल वनावरण और वृक्षावरण है। अगर इसमें से हम इसको घटा दें तो जो बचेगा वो क्या होगा, वृक्षावरण होगा। ध्यान रखिएगा,
तीन तरह के डाटा आपको प्रस्तुत किए जाते हैं। अभी मैं पूरी वन रिपोर्ट पर किसी दिन एक दिन चर्चा करूंगा। वनावरण, वृक्षावरण और झाड़ियां, झाड़ियों को कुल वन क्षेत्र में शामिल नहीं किया जाता है। तो वनावरण अगर आपसे पूछा जाए तो 21.67% है कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का। वृक्षावरण अगर आपसे पूछा जाए तो 24.56 में से हमें इसको घटाना है तो वृक्षावरण आ जाएगा। और वनावरण और वृक्षावरण अगर हमें दोनों पूछ लिए जाए तो वनावरण और वृक्षावरण कितना है बताइए, 24.56% है। तो पहले प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो आपका क्या होगा बताइए, सी होगा। आइए एक और चीज मैं क्लियर कर दूं यहां पर, ये जो आंकड़े हैं वो वन सर्वेक्षण विभाग जारी करता है, वन सर्वेक्षण संस्थान देहरादून, है ना। वन सर्वेक्षण संस्थान आपका कहां पे है, देहरादून में है और वहीं पर जो है ये आंकड़े आपके जारी किए जाते हैं। 30 दिसंबर 2019 को केंद्रीय वन पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री प्रकाश जावड़ेकर जी द्वारा यह जो है रिपोर्ट, 16वीं रिपोर्ट आपकी जारी की गई। आइए दूसरे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न है आपका, क्षेत्रफल की दृष्टि से सर्वाधिक वनावरण वाला राज्य कौन सा है, है ना। देखिए दो तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि सर्वाधिक वनावरण वाला राज्य क्या है, मतलब क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे ज्यादा वन कहां है, तो सही उत्तर आपका मध्य प्रदेश है। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि सर्वाधिक वृद्धि कहां हुई, है ना, वनावरण में सर्वाधिक वृद्धि कहां हुई, तो सर्वाधिक वृद्धि वाला राज्य जो आपका होगा वो कर्नाटक होगा। ध्यान दीजिएगा, वृद्धि का मतलब होता है कि हम दो वन रिपोर्ट को, 15वीं को और 16वीं को जब आपस में कंपेयर करते हैं, 15वीं वन रिपोर्ट को 16वीं वन रिपोर्ट को आपस में कंपेयर करते हैं, तो 15वीं से लेकर 16वीं के बीच में सबसे ज्यादा जो वृद्धि हुई वो आपकी कहां पर हुई बताइए, कर्नाटक में हुई। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि सर्वाधिक वनावरण वाला राज्य कौन सा है, तो वो मध्य प्रदेश है। तो अगर देखिए दो प्रकार से ये भी प्रश्न आता है, सर्वाधिक वनावरण वृद्धि को अर्जित करने वाला राज्य, तो आपका उत्तर कर्नाटक होगा, लेकिन सर्वाधिक वनावरण वाला जो राज्य है वो क्या होगा, मध्य प्रदेश होगा। जब मैं वन रिपोर्ट आपको पढ़ाऊंगा डिटेल में तो मैं बताऊंगा कि वृद्धि क्या है, है ना, वृद्धि क्या होती है और क्षेत्रफल क्या होता है और कैसे हम इन आंकड़ों को लेखते हैं। जल्द ही मैं पूरी जो आपकी 16वीं वन रिपोर्ट आई है उस पर एक 20 मिनट का वीडियो बना के आप सभी लोगों को दूंगा। फिलहाल जो प्रश्न वहां से निकल रहा है महत्वपूर्ण, उनको मैं यहां पर हल करा दे रहा हूं। आइए तीसरे प्रश्न की तरफ हम लोग यहां पर बढ़ते हैं। तीसरा प्रश्न है जो आपका, जनवरी 2020 में घोषित किया गया 29वां सरस्वती सम्मान 2019 निम्न में से किसे प्रदान किया गया, इसका उत्तर आपकी तरफ से आना चाहिए। चार विकल्प हैं आपके, लीलाधर जगूड़ी, वासुदेव मोही, ममता कालिया, अमिताभ घोष, बताइए सही उत्तर क्या हो गया। तो आपका सही उत्तर होगा यहां पर वासुदेव मोही। इनका एक लघु कथा संग्रह है, याद रखिएगा, इनको जिस लघु कथा संग्रह के लिए पुरस्कार मिला है उस लघु कथा संग्रह का नाम है चेकबुक, चेकबुक, चेकबुक के लिए मिला है। आपसे यह भी पूछा जा सकता है कि चेकबुक निम्न में से किसकी रचना है, तो ध्यान दीजिएगा ये किसकी रचना है, वासुदेव मोही की। ये उपन्यास इनका 2012 में प्रकाशित हुआ था, 2012 में प्रकाशित हुआ था, जिसके लिए इन्होंने सरस्वती सम्मान 2019 प्रदान किया गया। तो इसका सही उत्तर आपका क्या होगा बताइए, बी होगा। आप लोग ध्यान दीजिएगा, के बिरला फाउंडेशन द्वारा 1991 में स्थापित किया गया था और इसके तहत 15 लाख रुपए की पुरस्कार राशि, प्रशस्ति पत्र और स्मृति चिन्ह प्रदान किया जाता है। क्लियर है, हाँ। प्रतिवर्ष संविधान की 8वीं अनुसूची में वर्णित किसी भारतीय भाषा में पिछले 10 वर्ष में प्रकाशित भारतीय लेखकों की उत्कृष्ट साहित्यिक कृतियों के लिए प्रदान किया जाता है, ध्यान दीजिएगा। क्लियर, तो इसका सही उत्तर हमारा कौन सा होगा, बी होगा। आइए चौथा प्रश्न है आपका, वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक 2020 के अनुसार जलवायु परिवर्तन से सर्वाधिक प्रभावित देश कौन सा है, है ना। तो यहां पर ध्यान रखना है, एक आकलन के अनुसार आपसे पूछा गया है कि जो चार देश हैं इनमें से सर्वाधिक प्रभावित देश कौन सा है, तो सर्वाधिक प्रभावित देश कौन सा है, जापान, है ना। जापान जलवायु परिवर्तन से सर्वाधिक प्रभावित देश है और भारत का इस लिस्ट में जो स्थान है, सूची में स्थान है, वो पांचवा है। इसमें कुल 138 देशों को शामिल किया गया था, 138 देशों को इसमें शामिल किया गया था। तो आपको इसको ध्यान देना है, इसका जो सही उत्तर होगा वो आपका क्या होगा बताइए, जापान, इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। हाँ, आइए अगले प्रश्न की तरफ हम लोग यहां पे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका, पांचवा प्रश्न लिखा है, नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 कितने अल्पसंख्यक समुदायों को नागरिकता
प्रदान करने हेतु सक्षम बनाता है। ये देखिए करंट का प्रश्न है और आप जानते हैं कि इस पर काफी विवाद चल रहा है, तो इस प्रकार के जो भी प्रश्न हैं वो इस वर्ष के लिए आपके हम बहुत महत्वपूर्ण रहेंगे। तो आपको दिया गया है, फिर से एक बार प्रश्न पढ़िए, नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 कितने अल्पसंख्यक समुदायों को नागरिकता प्रदान करने हेतु सक्षम बनाता है। पहले तो आप ये जान लीजिए कि नागरिकता संशोधन अधिनियम जो आपका यहां पर है यह किससे संशोधन करके बनाया गया है। तो सबसे पहले आपको यहां पर ध्यान रखना है कि नागरिकता अधिनियम 1955 में संशोधन करता है। ये जो लाया गया है किस में संशोधन करता है, तो सबसे पहले देखना है कि आपको कि नागरिकता अधिनियम जो 1955 में आया था उसमें यह संशोधन आपका करता है और इसका सही उत्तर होगा 6। इसका सही उत्तर होगा 6। वो 6 समुदाय कौन से हैं उनके नाम भी आपको आने चाहिए। तो वो 6 समुदाय जो आपके हैं वो है हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, ईसाई और पारसी। मैं फिर दोहरा दूं, हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, ईसाई और पारसी, और 3 देशों से आए हों। कहां से? अफगानिस्तान से, बांग्लादेश से और पाकिस्तान से। अफगानिस्तान से, बांग्लादेश से और पाकिस्तान से। तो 3 देशों से आए हुए 6 तरह के अल्पसंख्यक लोगों को यह नागरिकता प्रदान करने हेतु सक्षम बनाता है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ए। जो डिटेल मैं बोल रहा हूं कृपया उस डिटेल को नोट करते हुए आगे बढ़े। आइए, 6वां प्रश्न, केंद्र सरकार द्वारा निम्न में से किसी देश का नया विदेश सचिव नियुक्त किया गया है ना। तो इसका सही उत्तर होगा हर्षवर्धन श्रृंगला। आपका इसका बिल्कुल सही उत्तर है और ये फैक्चुअल इंफॉर्मेशन का प्रश्न है। हर्षवर्धन श्रृंगला को 23 दिसंबर 2019 को 2 वर्ष के लिए नया विदेश सचिव जो है नियुक्त किया गया है। यह भारतीय विदेश सेवा के विशेष वरिष्ठ अधिकारी है और यह विजय केशव गोखले की जगह लेंगे, मतलब इनकी जगह अब ये लेंगे। पहले ये थे, अब कौन हो गया? हर्षवर्धन श्रृंगला हो गए, 2 वर्ष के इनका कार्यकाल है। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका 7वां प्रश्न, लिखा है नाटो का 30वां शिखर सम्मेलन कहां आयोजित किया गया। देखिए तो ये लंदन में आयोजित हुआ। नाटो का 30वां शिखर सम्मेलन कहां आयोजित हुआ? ये लंदन में आयोजित हुआ। पहला तो इसका सही उत्तर कितना है बताइए? लंदन। अब देख लीजिए है ना, वाटफोर्ड लंदन में भी कहां आयोजित हुआ अगर आपसे पूछा जाए तो, वाटफोर्ड, या आपसे पूछा जाए कि वाटफोर्ड में कौन सा आयोजन हुआ था तो आप कहेंगे नाटो का 30वां शिखर सम्मेलन आयोजित हुआ था। नाटो के बारे में हम सब जानते हैं, इसके बारे में भी कुछ डिटेल आपको प्रेषित कर देता हूं। पश्चिमी राष्ट्रों का एक अंतर सरकारी सैन्य संगठन है, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन इसका फुल फॉर्म है। इसकी स्थापना सामूहिक सुरक्षा सिद्धांत पर वर्ष 1947 में वाशिंगटन संधि द्वारा की गई थी। तो आपसे यह भी पूछ लिया जाता है कि वाशिंगटन संधि किससे संबंधित है? नाटो की स्थापना से संबंधित है। क्लियर है? चलिए आइए, अब मैं आता हूं इसका मुख्यालय आपका कहां पर है, तो ध्यान दीजिएगा। हाँ, इसका मुख्यालय बेल्जियम के ब्रुसेल्स में है, वर्तमान में जेंस स्टाल्टेनबर्ग जो है इसके महासचिव हैं। हाँ, जेंस स्टाल्टेनबर्ग जो है वो इसके महासचिव हैं, ध्यान दीजिएगा। तो इसका सही उत्तर आपका जो है वो क्या होगा? लंदन है ना। आइए 8वां प्रश्न आपका, साहित्य अकादमी पुरस्कार 2019 की घोषणा में हिंदी के लिए यह पुरस्कार किसे प्रदान किया गया बताइए। 4 आपके नाम है, नंदकिशोर आचार्य, शशि थरूर, वासुदेव मोही और गोपाल दास नीरज है ना। 4 आपके विकल्प है, बताइए किसको यह पुरस्कार यहां पे दिया गया। तो सही उत्तर आपका क्या होगा बताइए? नंदकिशोर आचार्य को दिया गया। और इनका जो जिस रचना को दिया हो गया उसका नाम है छीलते हुए अपने को। इस रचना के लिए इनको यह पुरस्कार प्रदान किया गया। इसका सही उत्तर आपका क्या होगा बताइए? ए हो जाएगा। क्लियर है? हाँ, कविता संग्रह है छीलते हुए अपने को। आइए अंग्रेजी भाषा का जो साहित्य अकादमी है यहीं पे क्लियर कर लीजिए, अंग्रेजी भाषा का साहित्य अकादमी शशि थरूर को दिया गया।
अंग्रेजी भाषा का जो है इंग्लिश में जो दिया गया वो आपको किसको दिया गया, शशि थरूर को दिया गया। और शशि थरूर जी की जिस रचना को दिया गया उसका नाम है एन एरा ऑफ डार्कनेस, एन एरा ऑफ डार्कनेस, एन एरा ऑफ डार्कनेस को दिया गया, ध्यान रखिएगा आप लोग। आइए अगले प्रश्न की तरफ यहां पर बढ़ते हैं। आज थोड़ी सी आवाज आपको ठीक नहीं लग रही होगी क्योंकि 7-8 दिन से बहुत बुखार से पीड़ित था और आज ही उठा हूं तो थोड़ा सा गले में परेशानी है, तो आज थोड़ी सी पैनिक आवाज को आप लोग स्वीकार करिएगा। उम्मीद है कि 2-3 दिन में स्वस्थ हो जाऊंगा और अगले रटलों में पूरी एनर्जी के साथ आपके सामने होऊंगा। हालांकि इरादे, ऊर्जा और हौसले आज भी बुलंद है, आवाज थोड़ा सा साथ नहीं दे रही है, तो कोई बात नहीं, आपके समर्थन से कोई दिक्कत नहीं, आवाज अपने आप अच्छी हो जाएगी। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ रहा हूं। अगला प्रश्न है आपका यहां पर 9वां। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी द्वारा वर्ड ऑफ द ईयर 2019, ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी द्वारा वर्ड ऑफ द ईयर 2019 किस शब्द को चुना गया, क्लाइमेट इमरजेंसी को, क्लाइमेट इमरजेंसी। हर बार वर्ड ऑफ द डिक्शनरी, वर्ड ऑफ द ईयर चुना जाता है। जैसे पिछली बार 2018 का जो वर्ड ऑफ द ईयर था वो टॉक्सिक था, जिसका मतलब था विषाक्त, विषाक्त। इसका क्या है, जलवायु आपातकाल, इसका हिंदी अनुवाद क्या है, जलवायु आपातकाल। और इसका वर्णन कुछ इस प्रकार किया गया है उस डिक्शनरी में, इस वर्ड का वर्णन कुछ इस प्रकार किया गया है जलवायु आपातकाल का, यहां पर एक ऐसी स्थिति के रूप में जिसमें जलवायु परिवर्तन को कम करने या रोकने के लिए तत्काल कार्रवाई की आवश्यकता होती है। ऐसी स्थिति के रूप में जिसमें जलवायु परिवर्तन को कम करने या रोकने के लिए तत्काल कार्रवाई की आवश्यकता होती है, तो यह आपका जो है ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी वर्ड ऑफ द ईयर 2019 है। आइए 10वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका, एशियाई विकास बैंक एडीबी का 10वां अध्यक्ष हाल ही में किसे नियुक्त किया गया है ना, तो इसका सही उत्तर होगा मासात्सुगु अस्कावा को, यह जापान के प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री दोनों के ही प्रमुख सलाहकार है, यह जापान के प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री दोनों के ही प्रमुख सलाहकार है। और जब भी इसके अध्यक्ष बदलते हैं प्रश्न आपसे अक्सर पूछ लिया जाता है, इसलिए याद रखिएगा इसका सही उत्तर क्या होगा, मासात्सुगु अस्कावा। क्लियर है, आइए। हाँ तो इसका मुख्यालय मनीला फिलीपींस में है। 19 दिसंबर 1966 को एशियाई विकास बैंक की स्थापना हुई थी, है ना, एशियाई विकास बैंक की स्थापना 19 दिसंबर 1966 को हुई थी और इसका जो मुख्यालय है वो कहां पे है, फिलीपींस के मनीला में है। आइए 68 वर्तमान में इसके सदस्य देश है, वर्तमान में इसके सदस्य देश कितने हैं बताइए, 68 सदस्य देश वर्तमान में इसके हैं। अगले प्रश्न की तरफ हम लोग पढ़ते हैं, 11वां प्रश्न क्या लिखा है, मॉरिशस के नए राष्ट्रपति के रूप में निम्न में से कौन निर्वाचित हुआ, बताएं आप लोग उत्तर करें, ये तो फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है। मॉरिशस के नए राष्ट्रपति के रूप में निम्न में से कौन निर्वाचित हुआ, तो आपका उत्तर क्या होगा, पृथ्वीराज सिंह रूपन, है ना, पृथ्वीराज सिंह रूपन। इन्होंने अमीनाह गुरिप का स्थान लिया, इनका स्थान लिया इन्होंने, है ना, इनका स्थान लिया और ये मॉरिशस के नए राष्ट्रपति के रूप में निर्वाचित हुए हैं। आइए 12वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। लिखा है 23वां राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2020 कहां आयोजित किया गया, है ना, ये लखनऊ में आयोजित किया गया, यह आयोजन प्रतिवर्ष होता है, लखनऊ में आयोजित किया गया, उत्तर प्रदेश के लखनऊ में, और इसका आदर्श वाक्य था फिट यूथ फिट इंडिया, फिट यूथ फिट इंडिया, फिट यूथ फिट इंडिया इसका आदर्श वाक्य था या इसकी थीम थी, ध्यान दीजिए लखनऊ। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका 13वां। सना मरीन को किस देश की प्रधानमंत्री चुना गया, आप लोग उत्तर करिए, सना मरीन को किस देश की प्रधानमंत्री चुना गया, इसका सही उत्तर आपका क्या होगा, तो आप कहेंगे फिनलैंड, है ना, किसका, फिनलैंड की प्रधानमंत्री इनको चुना गया। ये 34 वर्षीय हैं और ये पूरे विश्व में सबसे युवा प्रधानमंत्री चुनी है, पूरे विश्व में किसी भी देश की सबसे युवा प्रधानमंत्री होने का गौरव इनको प्राप्त हुआ, सना मरीन फिनलैंड। 14वां प्रश्न है आपका यहां पे, सूर्य किरण X1V मतलब 14, है ना, इस संकलन का नाम अगर हम लोग सीधे लिखे तो क्या होगा, एक मिनट इसको पसंद, हाँ इस संकलन का नाम अगर यहां पे हम लोग लिखे तो क्या होगा, 14वां होगा, है ना। युद्धाभ्यास किस किस
के मध्य आयोजित किया गया भारत और नेपाल के मध्य, भारत और नेपाल के मध्य। अगला है आपका यहां पे, भारत का पहला चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ निम्न में से किसे चुना गया है ना, तो आप सब सभी लोग जानते हैं जनरल बिपिन रावत को। यह नया पद सृजित किया गया है जो 4-स्टार जनरल रैंक का पद है, 4-स्टार जनरल रैंक का पद है जिसको चुना गया है। और जनरल बिपिन रावत साहब जो है यहां पर, वो जनरल बिपिन रावत वो भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ इसमें से चुने गए हैं। क्लियर हुई आप लोगों को बात? हाँ, आइए देखिए, 1999 में कारगिल समीक्षा समिति जो थी आपकी, केंद्र सरकार को एकल सैन्य सलाहकार के तौर पर इस पद के सृजन का सुझाव दिया था 1999 में। किस समिति ने सबसे पहले सुझाव दिया था? कारगिल समीक्षा समिति ने। तो अगर आपसे पूछा जाए कि इस पद का सबसे पहले सुझाव किसने दिया था, कारगिल समीक्षा समिति 1999 में इस पद का सबसे पहले सुझाव आपको दिया गया था। क्लियर? हाँ, तो ये आपका जो है उत्तर इसका क्या होगा? बी होगा। यहां पे आप लोगों को ध्यान रखना है, यह तीनों सेनाओं के बीच, इससे क्या लाभ है, ये तीनों सेनाओं के बीच प्रभावी समन्वय कायम किया जा सकेगा और दुश्मनों से सक्षम तरीके से मुकाबला करने में मदद मिलेगी। क्लियर? यह रक्षा मंत्री के प्रमुख सैन्य सलाहकार के रूप में कार्य करेंगे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि तीनों सेनाओं के प्रमुख रक्षा मंत्री के सलाहकार नहीं रहेंगे, ये भी रक्षा मंत्री के सलाहकार के रूप में काम करेंगे और तीनों सेनाओं के जो प्रमुख है वो भी रक्षा मंत्री के सलाहकार के रूप में कार्य करते रहेंगे। तो ये आपका इसका सही उत्तर आपका क्या होगा? जनरल बिपिन रावत, बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही उत्तर आपका होगा। आइए, क्लियर है? आइए, यहां पर प्रसिद्ध पत्रिका फोर्ब्स द्वारा जारी विश्व की 100 सर्वाधिक शक्तिशाली महिलाओं की सूची में शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है किसको? एंजेला मर्केल को, है ना। एंजेला मर्केल जी को जो है ये जर्मनी की चांसलर है, इनको सबसे शक्तिशाली महिला फोर्ब्स पत्रिका ने यहां पे हां घोषित किया है। भारत की तरफ से 3 महिलाएं इसमें शामिल हैं, निर्मला सीतारमण जी भारत की तरफ से इसमें शामिल महिला है, किरण मजूमदार शाह भी इसमें शामिल है और इनका स्थान जो है 34वां है, 34 है ना, 34वां है, भारत की तरफ से सबसे ऊपर यही है जो शामिल है। इसके अलावा किरण मजूमदार शाह भी शामिल है और इसके अलावा एक और महिला यहां पर शामिल की गई है जिनका नाम है आपका रोशनी नाडर मल्होत्रा। भारत की तरफ से 3 महिलाएं शामिल है, तीसरी है रोशनी नाडर मल्होत्रा। 3 महिलाएं कुल शामिल है, 1, 2 और 3। सबसे शक्तिशाली महिला का कौन है? एंजेला मर्केल। तो इसका सही उत्तर आपका क्या होगा बताइए? ये उत्तर इसका सही हो जाएगा। 17वां, मैनुअल मरेरो को किस देश का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है? इसका सही उत्तर आप लोग करिए, मैनुअल मरेरो। इसका सही उत्तर होगा क्यूबा। ये क्यूबा के नए प्रधानमंत्री नियुक्त किए गए हैं। मैं बार बार आपको सूचना दे रहा हूं कि संस्थान में 3 बैच संचालित हो रहे हैं, आप में से जो भी परीक्षार्थी इन तीनों में से किसी भी बैच में प्रवेश लेना चाहे वो नीचे जो नंबर दे रहे हैं उन नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। मैं एक बार तीनों बैचों के बारे में आपको 1 सेकंड में जानकारी दे दूं। खंड शिक्षाधिकारी के बैच के लिए आप इस नंबर पर व्हाट्सएप पर एंट्री लिख के भेज सकते हैं, जुड़ जाएंगे। पीसीएस के बैच के लिए आप इस नंबर पर व्हाट्सएप पर एंट्री लिख के भेज देंगे, आप जुड़ जाएंगे। और सुपर टेट के बैच के लिए आप इस नंबर पर व्हाट्सएप पर एंट्री लिखकर भेज दीजिए, आप जुड़ जाएंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। बाकी बैच कैसे चल रहे हैं वो जो लोग देख रहे हैं वो निश्चित रूप से आपको बता सकते हैं। क्लियर है? आइए, अगला प्रश्न है आपका 18वां प्रश्न। यहां पर साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2019 किसे प्रदान किया गया? हाँ, तो साहित्य के क्षेत्र में 2019 का जो पुरस्कार है वो पीटर हैंडके को प्रदान किया गया, ओल्गा टोकारजुक को भी प्रदान किया गया, लेकिन इनको 2018 का प्रदान किया गया। 2018 में साहित्य पुरस्कार नहीं दिया गया था, तो 2019 में जब घोषणा हुई तो इनको 2018 का साहित्य का नोबेल दिया गया और पीटर हैंडके को 2019 का साहित्य का नोबेल दिया गया। माइकल क्रेमर भी 2019 के पुरस्कारों के विजेताओं में शामिल है, इनको अर्थव्यवस्था के लिए दिया गया। और जॉन बी गुड इनफ भी शामिल है, इनको रसायन शास्त्र के लिए दिया गया। और इनके साथ एक और उपलब्धि जुड़ी है कि ये 97वें वर्षीय हैं
और ये अभी तक इस प्रतिष्ठित पुरस्कार को पाने वाले सबसे बुजुर्ग व्यक्ति हैं, मतलब उम्र में सबसे ज्यादा व्यक्ति है। इन्हें रसायन शास्त्र के लिए पुरस्कार प्राप्त किए प्रदान किया गया है। आइए अगला है, दिसंबर 2019 में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ CDS का पद सृजित करने को मंजूरी दी गई। इससे संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। वह रक्षा मंत्री के लिए प्रधान सैन्य सलाहकार की भूमिका निभाएंगे, बिल्कुल सही है। वो तीनों सैन्य सेवाओं के लिए प्रशासनिक कार्यों की देखरेख करेंगे, बिल्कुल सही है। युद्ध के समय तीनों सेनाओं के बीच प्रभावी समन्वय कायम करेंगे, ये भी सही है, अभी मैंने आपको बताया। चौथा, वह रक्षा मंत्री के लिए प्रधान सैन्य सलाहकार, ये भी सही है। तो इसका मतलब क्या हो गया, उपयुक्त सभी, तो सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। सी ऑप्शन का मतलब है कि इनमें से सभी सही है आपका, है ना। 19वां प्रश्न, 20वां प्रश्न है यहां पर, हाल ही में इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक एंड पीस द्वारा जारी वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2019 में आतंकवाद से प्रभावित देशों की सूची में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ। भारत का स्थान 7वां है, 7। इसमें सबसे ऊपर के स्थान पर जो है वो अफगानिस्तान है। अफगानिस्तान सबसे ज्यादा प्रभावित रहा और सबसे नीचे बेलारूस है, ध्यान रखिएगा। सबसे नीचे बेलारूस है और सबसे ऊपर यहां पर क्या है, अफगानिस्तान है। और भारत का जो स्थान है वो भारत का स्थान कौन सा है बताइए, 7वें स्थान पर भारत है। 21वां प्रश्न, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2019 के मसौदे को निम्न में से किसने तैयार किया बताइए। ये सब प्रश्न में इससे पहले भी एक बार आपको ये प्रश्न में हल करा चुका हूं, तो इसका सही उत्तर होगा डॉक्टर के, इसका सही उत्तर होगा डॉक्टर के कस्तूरी रंजन समिति, डॉक्टर के कस्तूरी रंजन समिति है। 22वां प्रश्न, हाल ही में किस देश के साथ भारत का रणनीतिक साझेदारी परिषद की स्थापना पर समझौता हुआ। हाल ही में किस देश के साथ भारत का रणनीतिक साझेदारी परिषद की स्थापना के साथ पर समझौता हुआ, एक देश के साथ, इस टर्म को याद रखिएगा। तो आपको बताना है कि इसका सही उत्तर क्या होगा, कृपया आप लोग सही उत्तर करें। इसका सही उत्तर होगा सऊदी अरब। अभी कुछ दिन पहले सऊदी अरब के रियाद की यात्रा प्रधानमंत्री जी ने की थी और वहीं पर इस प्रकार के समझौते को किया गया। हाँ, रणनीतिक साझेदारी समझौता हमारा किस देश के साथ हुआ, सऊदी अरब के साथ। 23वां प्रश्न है आपका, हाल ही में जारी मानव विकास सूचकांक 2019, देखिए इसमें तीन प्रश्न आपके प्रश्न में ही तीन उत्तर आपके क्लियर है। हाल ही में जारी मानव विकास सूचकांक 2019 की 189 देशों की सूची में शीर्ष देश, तो कुल शामिल देश कितने हैं, 189, है ना। शीर्ष देश कौन सा था, नॉर्वे, नॉर्वे शीर्ष देश है। और अंतिम स्थान 189 पर कौन है, नाइजर। इस सूची में आपसे पूछा गया है कि इस सूची में भारत का स्थान कौन सा था, है ना। तो 23वें का सही उत्तर क्या होगा आप लोग बताइए, तो भारत का स्थान यहां पे 129वां था। क्लियर, तो सारा डिटेल आपको क्लियर हो गया। पहले पे कौन है बताइए, नॉर्वे है, अंतिम पे कौन है, नाइजर है, और भारत का स्थान 129वां है, और कुल सदस्य देश कितने शामिल थे, 189 शामिल थे। आइए आगे बढ़ते हैं, 24वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। देखिए अभी मैंने जो है इसको आपको क्लियर किया है, है ना। दिसंबर 2019 में जारी विश्व की 100 सर्वाधिक शक्तिशाली महिलाओं की सूची में शीर्ष पर जर्मन चांसलर एंजेला मर्केल है, बिल्कुल अभी क्लियर किया हम लोगों ने, क्षमा करिए। यूरोपीय केंद्रीय बैंक की अध्यक्ष क्रिस्टीन लेगार्ड को दूसरा स्थान मिला है, बिल्कुल सही है। तीसरा, भारत की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को 34वां, रोशनी नारायण मल्होत्रा को 54वां और किरण मजुमदार शाह को 65वां स्थान मिला, यह भी सही है। इसका मतलब है उपयुक्त सभी सही है, उपयुक्त सभी सही है। इस प्रकार के प्रश्न आपसे पीसीएस में पूछे जाते हैं या लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, जिसमें तीन तीन डिटेल एक से आपको दिए जाते हैं। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, डी उत्तर इसका सही हो जाएगा। 25वां प्रश्न, हाल ही में बीपीपी एवं कैंटर द्वारा जारी ब्रांड टॉप 75 मोस्ट वैल्यूएबल इंडियन ब्रांड रैंकिंग में लगातार 6वें वर्ष HDFC बैंक शीर्ष पर है, है ना। तो सबसे वैल्यूएबल ब्रांड के रूप में HDFC बैंक भारत में लगातार 6वें वर्ष भी शीर्ष पर बना हुआ है। आइए, तो इसका सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। 26वां प्रश्न, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है, आइए चार कथन आपको दिए गए हैं। विश्व के सबसे बड़े परवहन स्पेसशिप कोरोटोरी 8 का प्रक्षेपण H2B रॉकेट द्वारा किया गया, एक तो ए है। दूसरा आपका है यान का प्रक्षेपण जापान एयरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी के दक्षिण पश्चिम जापान के
तानेगासिमा अंतरिक्ष केंद्र से किया गया, यह भी सही है, यह भी सही है, पूरी जानकारी इसमें। इस अंतरिक्ष यान द्वारा अंतरराष्ट्रीय स्पेस स्टेशन के अंतरिक्ष यात्रियों हेतु लगभग 5.3 टन सामान की आपूर्ति करने का लक्ष्य, यह भी सही है। अंतरराष्ट्रीय स्पेस स्टेशन पर सबसे ज्यादा वक्त गुजारने का रिकॉर्ड सुनीता विलियम्स का है, चौथा गलत है, इससे संबंधित भी नहीं है और बिल्कुल गलत है। तो इसका सही ऑप्शन आपका क्या होगा बताइए, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। 27वां प्रश्न लिखा है, निम्नलिखित असत्य कथन पर विचार करें। हाँ आइए, अमेरिका के वाशिंगटन डीसी स्थित कार्नेगी इंस्टीट्यूशन फॉर साइंस के खगोलविद स्कॉट एस सेपर्ट के नेतृत्व में एक दल ने शनि की परिक्रमा कर रहे 20 नए उपग्रहों की खोज की। पहला है आपका, है ना, चलिए सही है। दूसरा, हवाई द्वीप स्थित मोना की ये कहां पे है, हवाई द्वीप है, नामक एक सुसुप्त ज्वालामुखी के ऊपर स्थापित सुबारू दूरबीन की मदद से नए उपग्रहों की खोज की गई, यह भी सही है। तीसरा, इस नई खोज के साथ ही अब लक्ष्यदार ग्रह शनि के कुल उपग्रहों की संख्या बढ़कर 92 तक पहुंच गई, यह बिल्कुल गलत है। चौथा, इस प्रकार शनि और शनि सौर प्रणाली का ऐसा ग्रह बन गया है जिसके ज्ञात प्राकृतिक उपग्रहों की संख्या सर्वाधिक है, यह बिल्कुल सही है ना। तो सी वाला आपका सही नहीं, ये दोनों ही क्वेश्चन आपके टैक्स से संबंधित थे जिस पर लगातार आपकी जो है प्रौद्योगिकी विकास हो रहा है। अगला है आपका 28वां प्रश्न, भारतीय छात्र आवास सिक्का द्वारा डिजाइन किया गया रमन सेट 2 लघु उपग्रह किसने लॉन्च किया, यह प्रश्न एक परीक्षा में आपसे पूछा भी जा चुका है और इसका सही उत्तर आपका क्या होगा बताइए, नासा द्वारा लॉन्च किया गया रमन सेट 2। क्लियर है, आइए। दिसंबर 2019 में वर्ष 2019-20 के लिए फिक्की के नए अध्यक्ष कौन बने, है ना, तो बताइए फिक्की के नए अध्यक्ष यहां पर कौन है, तो फिक्की की नई अध्यक्ष संगीता रेड्डी जी यहां पर बनाई गई है, संगीता रेड्डी जी बनाई गई है। आइए, 30वां प्रश्न है आपका, दिसंबर 2019 में उष्णकटिबंधीय चक्रवात सराय से कौन सा प्रशांत द्वीपीय राष्ट्र सर्वाधिक प्रभावित रहा, तो इसका सही उत्तर होगा आपका फिजी। क्या उत्तर होगा, फिजी। आज स्वस्थ ठीक नहीं होने से प्रश्न तो 50 लेके आया था लेकिन 20 ही हल करा रहा हूं क्योंकि गले में थोड़ा सा दर्द है। अगली श्रृंखला 50 की होगी जैसे आपकी होती है, आपका प्रेम इसने मुझे और संस्था को इसी प्रकार मिलता रहे। हम लोग लगातार आपके लिए मेहनत कर रहे हैं और अच्छे प्रश्नों के कलेक्शन और व्याख्या के साथ अगली बार फिर आपसे रूबरू होगा। तब तक के लिए नमस्कार। आप कहां से हमको देख रहे हैं ये भी लिखें और जो बेस्ट संचालित हो रहे हैं उनके लिए अपना फीडबैक जरूर यहां पे दें और संतुष्ट है तो संतुष्टि जरूर यहां पे लिखें ताकि और सदस्य उसको देख सकें। हम आपके लिए दिन रात मेहनत करते हैं। टारगेट विद आलोक ऑनलाइन इंस्टीट्यूट की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। जल्दी फिर आपसे मुलाकात होगी। नमस्कार।